वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ डाइट प्लान के बारे में। अगर आप लोग अपना वज़न कम करना चाहते हो 7 दिन के अंदर भी 4 से 5 किलो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में 7 दिन का एक डाइट प्लान बताने वाला हूँ, जिसमें हर दिन एक अलग अलग चीज़ आप लोगों को लेने पड़ेगी। हर दिन जो अलग अलग चीज़ आप लोग लोगे वो अलग अलग फ़ायदा आपकी बॉडी में करेगी, और जो आपका वज़न है वो 7 दिन में ही 4 से 5 किलो आप लोग जो है कम कर सकते हो। मिनिमम 4 किलो आप लोग कम कर सकते हो, जिसमें न किसी प्रोडक्ट की आप लोगों को ज़रूरत रहेगी, न किसी तरह की कोई दवाई आप लोगों को यहाँ पर लेने पड़ेगी। तो वीडियो अगर पूरा एंड तक देखते हो तो आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, और हर दिन जो प्लान बताऊंगा, मतलब कि किस दिन क्या यूज़ करना है, किस दिन या क्या यूज़ करना, तो उससे आपको आइडिया रहेगा और आप लोग वो चीज़ फॉलो करते हो तो 7 दिन की मेरी गारंटी है। इस वीडियो के नीचे आके आप लोग खुद कमेंट करोगे, क्योंकि जो एक हफ्ता है वो आराम से निकल जाता है, क्योंकि जो एक हफ्ता है इजीली निकल जाएगा और आप लोगों को भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप लोग खुद 7 दिन बाद आकर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बेल बटन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि जब भी मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल पाएगी। इस वीडियो को हर जगह जरूर से शेयर करें। जो लोग हर्बल लाइफ यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हर्बल लाइफ में जो शेक प्रोटीन रहता है उसकी जगह पर आप लोग इस चीज़ों को देखोगे, यूज़ करोगे, तो आपका जो वज़न है काफ़ी तेज़ी से कम होगा। प्लस जो हर्बल लाइफ कर रही है वो भी काफ़ी बेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देखना, आप लोगों की बहुत काम आने वाला है। जो हर्बल लाइफ के एसोसिएट है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अपने कस्टमर्स तक भी ये वीडियो पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बिना टाइम आपका गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दिन का डाइट प्लान। पहले दिन आप नाश्ते में 2 बॉयलर, 1 और आधा कटोरी ओट्स खाएं। लंच में 1 कटोरी सोया चंक पुलाव और 1 खीरे वाला रायता और सलाद लें। वहीं डिनर में 2 टोस्ट, 1 बाउल टमेटो सूप। ये आपका फर्स्ट दिन का डाइट प्लान होगा। अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नाश्ता यानी कि सुबह जब आप नाश्ता करते हो तब आपको 2 बॉयलर एग लेने हैं और 1/2 कटोरी ओट्स लेने हैं, सिर्फ यही खाना है। अब लंच की यहाँ पर बारी आती है। लंच में सिर्फ आपको 1 कटोरी सोया चंक पुलाव खाना है, ठीक है। इसके अलावा 1 खीरा वाला रायता जो है आप लोग ले सकते हो, यहाँ पर सलाद भी आप लोग ले सकते हो। अब रात का डिनर आता है, जहाँ पर आपको डिनर में 2 टोस्ट ले सकते हो और 1 बाउल टमेटो सूप यहाँ पर ले सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आपका होता है फर्स्ट दिन का डाइट प्लान। सेकंड दिन का हमारा डाइट प्लान, उसमें हम जो है लेंगे, जो नाश्ता जब हम करते हैं तो वहाँ पर 2 ज्वार चीला और 1/2 कटोरी दही यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा लंच में जो है आपको 1 कटोरी लाद, इसके अलावा 1 कटोरी मिक्स सब्जी, 1 रोटी और सलाद यहाँ पर जो है आपको लेना पड़ेगा। वहीं अब रात के डिनर की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2 ब्रेड और इसके अलावा पनीर भुर्जी सैंडविच, ये आप लोग जो है यहाँ पर ले सकते हो। थर्ड दिन का हमारा डाइट प्लान, इसमें हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, जब नाश्ते की बारी आती है तो आपको नाश्ते में बनाना पीनट बटर स्मूदी लें। इसके बाद लंच, जहाँ लंच की बारी आती है, इसमें आपको 1 कटोरी घिया की सब्जी, 1 कटोरी दही, 1 उबला अंडा, 1 रोटी और सलाद, ये आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब डिनर की यहाँ पर बात करते हैं, तो डिनर में सिर्फ आपको 1 कटोरी सब्जी, सब्जी वाला जो क्लिनोआ वो आपको खाना पड़ेगा। इसके अलावा ग्लूटेन फ्री फूड ये आपको लेना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हेल्दी यहाँ पर होता है। अब बात करें चौथे दिन का डाइट प्लान, तो इसमें आपको चौथे दिन के डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट में आपको 2 अंडे का ऑमलेट और 2 टोस्ट यहाँ पर लेना पड़ेगा। लंच की बात करें तो लंच में आपको 2 प्लेट डोसा और 1 कटोरी सांभर ले। वहीं डिनर की बात करें तो 1 कटोरी भुनी सब्जी, ये और पनीर यहाँ पर आप लोग ले सकते हो। मतलब कि इतना टेस्टी खाना यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। अब आप खुद सोच सकते हो कि एक अच्छी चीज़ के साथ में हम हमारा जो है वज़न भी यहाँ पर कम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा पाँचवें दिन का आप डाइट प्लान की बात करें तो नाश्ते में आपको जो है मिंट चटनी के साथ 2 बेसन का चीला खाए, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा लंच में आप 1 कटोरी राजमा, 1 कटोरी चावल और सलाद यहाँ पर ले सकते हो। डिनर में आप लोग 1 कटोरी स्प्राउट्स और खीरा टमाटर व प्याज, ऐसी चीज़ें जो हैं आप लोग ले सकते हो यहाँ पर, तो इससे भी जो है आपकी भूख में कंट्रोल रहेगा। अब बात करें छठे दिन का डाइट प्लान, तो छठे दिन नाश्ते में आपको 1 कटोरी मिक्स वेज पोहा खाएं। इसके बाद लंच में 1 कटोरी दाल, अब 1 कटोरी सब्जी, 1 रोटी, सलाद खाएं, ठीक है। तो एक एक ही खाना ज़्यादा आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये आपका जो है लंच का रहेगा, जिससे कि
भूख पर भी कंट्रोल रहेगा और ये नॉर्मल सी चीज़ आपकी हो जाएगी। डिनर की यहाँ पर बात करें तो एक बाउल सब्जी और इसके साथ में भुना सोया चंक यहाँ पर ले सकते हो आप लोग। तो लास्ट जो हमारा डाइट प्लान है सातवां, तो इसमें जो है हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा सातवें दिन नाश्ते में कोकोनट चटनी के साथ 3 इडली, ये आप लोग ले सकते हो, काफ़ी टेस्टी है। आपकी भी अगर इच्छा हो कि कुछ बाहर की चीज़ खाएं तो ऐसे में ये सबसे बेस्ट होने वाली है। और लंच में एक कटोरी मटर पनीर यहाँ पर ले सकते हो, एक कटोरी खीरा रायता, एक रोटी और सलाद यहाँ पर आप लोग ले सकते हो। इसके साथ डिनर में आप एक बाउल उपमा और एक कटोरी दही यहाँ पर ले सकते हो। डाइट चार्ट को फॉलो करने के साथ ही रोज़ाना 2 सीजनल फल भी ज़रूर खाएं, क्योंकि ये चीज़ आप लोग फॉलो करोगे डाइट के साथ में तो आपको एक्स्ट्रा ये भी आप लोग खा सकते हो। इसके अलावा आप जो है स्नैक्स वगैरह, ओट्स वगैरह और भी चीज़ें, पॉपकॉर्न्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी जो है आप लोग खा सकते हो, जिससे कि आपको भूख लगेगी तो उस पर आपको कंट्रोल यहाँ पर रहेगा। तो इस चीज़ का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ में या किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।